गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ा सा इंटरनेट वीक है आज, नहीं होगा तो हम टेस्ट करेंगे। थोड़ा देखना मैम, नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ रहा है। वन मोमेंट। ओके तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम लोगों का ओबी बाकी है ना? यस मैम। ठीक है, तो आज का क्लास, क्योंकि मोटिवेशन का रिवीजन बोल दिए थे, इसलिए आज के क्लास में आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद एचआरडी कर देंगे, जो यूनिट वन बचा हुआ है तुम्हारा, वो एक यूनिट वन कंप्लीट कर देंगे, तो तुम्हारा इधर एचआरडी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बोलोगे वो रिवीजन करवा देंगे, लेकिन अभी इसके बाद एचआरडी कंप्लीट करवाने के बाद फिर तुम्हारा ओबी लेकर के, जितना ओबी का सिलेबस बचा है, आई हैव टेकन दैट फ्रॉम आकांक्षा, वो ओबी खत्म करवा देंगे। ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। चलो ओके, दो थ्योरी हमने रिवाइज की थी, अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और ईआरजी थ्योरी। ठीक है, आज डेविड मैक्लेलैंड थ्री नीड्स थ्योरी कर ले। डेविड मैक्लेलैंड थ्री नीड्स थ्योरी, विक्टर ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और कोई है तुम लोग में? बताओ। यस मैम। थ्योरी स्टार्ट करो, डेविड मैक्लेलैंड थ्री नीड्स थ्योरी। यस मैम। क्या है वो थ्री नीड्स थ्योरी? आज का, आज मोटिवेशन का रिवीजन खत्म कर लेना, ठीक है, ताकि फ्रेश तुम लोग को नेक्स्ट क्लास से हम एचआरडी, जो एक यूनिट बाकी है वो एक यूनिट खत्म करवा देंगे, उसके बाद ओबी का जो सिलेबस बचा हुआ है वो खत्म करवा देंगे। बताओ, व्हाट इज थ्री नीड्स थ्योरी? मैम ये वाला मेरा क्लास छूट गया था, डेविड मैक्लेन वाला। अच्छा, बाकी विनीत? विनीत, कैन यू हियर मी? यस मैम। सी, डेविड मैक्लेलैंड थ्री नीड थ्योरी याद है? नो मैम। नो, किसी और को याद है? वेट, लेट पीपल जॉइन, वन मोमेंट। ठीक है, किसी को याद नहीं? किसी को याद है? जो लोग अभी फ्रेश ज्वाइन किए उनमें से कोई डेविड मैक्लेलैंड थ्री नीड थ्योरी रिवाइज करना चाहेगा क्लास के लिए? ओके, पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, उसको बताएं एक बार। हाँ बिल्कुल, बताइए, जितना याद है उतना ही बताइए। मैम ये था कि नीड फॉर अचीवमेंट था, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, और जो नीड फॉर अचीवमेंट होता है, जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है मैम,
उसका इंडिविजुअल डिजायर होता है, उनका ये होता है, वो चीज था। जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड ही हो, ये भी हो सकता है कि अगर तुम उसका नीड, कहने का ये मतलब है कि अगर तुम उसका नीड आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे हम ये क्लास में आइडेंटिफाई कर लें कि तुम्हारा राजेश का नीड क्या है, तो उसका नीड अगर वो नीड ऑफ अचीवमेंट से मोटिवेटेड होता है तो हम उसको वैसा ही काम देंगे जिसमें कि उसका नीड फुलफिल हो। जब उसका नीड फुलफिल होगा तो वो क्या करेगा कि अपने नीड के लिए 100% इनपुट देना चाहेगा। इन दैट 100% ही विल, इन दैट 100% इट विल नॉट जस्ट बेनिफिट हिम, इट विल नॉट जस्ट सैटिस्फाई हिम, बट ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का भी बेनिफिट होता है। डेविड मैक्लेलैंड की थ्री नीड्स थ्योरी या फिर अक्वायर्ड नीड्स थ्योरी, इसको अक्वायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अनलाइक मैस्लोज लॉ, अनलाइक मैक्ग्रेगर या अनलाइक हाइजीन जो हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, उसके अलावा उन्होंने ये माना कि ये नीड्स इनेट है, लेकिन डेविड मैक्लेलैंड की टू नीड्स थ्री नीड्स थ्योरी में ये माना गया कि ये जो नीड्स है ये आप अपने एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं। दीज आर द नीड्स विच आर अक्वायर्ड थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आपको एक्सपीरियंस होता है, आप जिस कल्चर में एक्वायर रहते हैं उसकी वजह से जो नीड्स बनती हैं उसको बोला जाता है थ्री नीड्स थ्योरी, उसको बोला जाता है, उसी की वजह से इसको बोला जाता है अक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। समझ में आई बात? यस मैम। और ये बोला गया मैक्लेलैंड, डेविड मैक्लेलैंड की थ्योरी में ये बोला गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर यू आर फ्रॉम, आप मेल है कि फीमेल है दिस हार्डली मैटर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ कल्चर यू बिलोंग टू, यू आर कमिंग फ्रॉम थ्री नीड। ये कहा गया कि इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जेंडर क्या है, बस मतलब इससे है कि आप ग्रो हुए, आप तीन में से किसी एक नीड से मोटिवेटेड होंगे। Okay, you will be motivated by one of the three needs. ये three needs क्या थी? Need for achievement. बताओ आगे. Need for power. Need for affiliation. Need for achievement का क्या मतलब होता है? Achieve करना मतलब? मैम कोई कोई भी अपना जो personal goal है उसको achieve करना. सिर्फ personal goal नहीं. Need for achievement कोई भी challenging चीज, हाँ, कोई भी challenging जिसको अचीव कर पाना मुश्किल है, जिसको अचीव कर पाना मुश्किल होता है, टफ है, जिसको acquire, जिसको अचीव करने के बाद एक sense of achievement आता है कि मैंने कोई टफ सी चीज को क्रैक किया, okay? That is known as your need for achievement, okay? Just a moment. हाँ, ठीक है, तो these three needs are known as, these three needs, need for achievement, need for affiliation and need for power. When we talk about need for achievement, these are those kinds of people who are motivated by the needs for achievement, achieving something which is tough. After cracking this, they feel a sense of contentment. इनको ऐसी चीजों में मजा आता है काम करने में, जिसको करने के बाद इनको लगता है कि इन्होंने कुछ किया है. When we talk about the characteristic features of people who are working in need, who are working for the need of achievement, we see
say that these are those kinds of people who like to work alone. वो अकेले काम करना पसंद करते हैं. ओके, हम इस चीज को मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग होते हैं उनको ग्रुप में काम करना पसंद होता है. ठीक है, कोलैबोरेटिव काम करना पसंद होता है. लेकिन नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोगों को अकेले काम करना पसंद होता है. जब ऐसे लोग अकेले काम करते हैं तो इनका एक और फीचर होता है कि ये बहुत लो रिस्क चीजों को अवॉइड करते हैं. ओके, लो रिस्क चीज माने जिसमें कोई मजा नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं है. ओके, और हाई रिस्क माने टू मच ऑफ हाई रिस्क इसलिए अवॉइड करते हैं ये लोग क्योंकि दे बिलीव कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए स्टिल द हाई रिस्क थिंग का मतलब ये है कि दैट फॉर दैट यू नीड सम एलिमेंट ऑफ लक इन योर वर्क, जिसमें कि ये लोग बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते. Okay, these people, they like to work alone, they avoid low risk thing, they avoid too much of high risk thing. Now they can go to any extent, they are very hard working. Okay, samajh mein aa rahi hai sabko? Yes. Aur need for affiliation wale log kaise hote hain? Affiliate karna mane tum log ko last class mein bhi samjhai thi, jaldi jaldi aao group mein kaam. जो ग्रुप में काम करना चाहेंगे, मतलब खुद जो ग्रुप का जो भी रूल और रेगुलेशन उसको इजीली फॉलो कर लेते, खुद का कुछ ज्यादा वो नहीं करते, खुद का ओपिनियन बहुत ज्यादा नहीं देते और किसी भी चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, किसी भी चीज को नहीं, ग्रुप नॉर्म्स. ठीक है, ये हमेशा मेंशन करता कि ग्रुप नॉर्म्स जब भी होता है, जैसे नीड फॉर एफिलिएशन. एफिलिएट माने एफिलिएशन का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा है. तो जुड़े रहने का मतलब ये है कि आपको जुड़ने और जुड़े रहने के लिए यू नीड टू अबाइड बाय द ग्रुप नॉर्म्स. आप एक ग्रुप में इसलिए रहते हैं, तुम लोग खुद अपने बारे में सोचो कि तुम लोग जिस भी ग्रुप में हो वो उस ग्रुप में इसलिए हो क्योंकि तुम उस ग्रुप की बात मानते हो, मानते हो ना. Similarly, these are those people who are motivated by the involved of affiliation. They like to be accepted. They have a sense of strong sense of belongingness to the group. They have the sense of acceptance for the group, and they will do anything for being accepted by the group. So, itna hi nahi. These are those kinds of people, jo log ग्रुप में बहुत ज्यादा अपना न्यू आइडिया या ओपिनियन नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज दे हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन. उनको इस चीज का डर लगता है कि वो शायद रिजेक्ट हो सकते हैं. ओके, एफिलिएशन जैसे मदर टेरेसा का एक एग्जांपल सबसे सूटेबल रहेगा नीड फॉर एफिलिएशन. अंडरस्टूड? मदर टेरेसा का नीड फॉर एफिलिएशन वो इसी नीड की थी, तभी तो वो ग्रुप में काम करती थी, लोगों के लिए काम करती थी, लोगों के साथ काम करती थी. ऐसे लोग नीड फॉर, बोलो बोलो. लेकिन वो तो मैम जो गरीब गुरबा उनको लिए वो उनके लिए हेल्प करती थी, तो सिर्फ उनकी हेल्प करती थी लेकिन काम तो वो ग्रुप में ही करती थी ना. उनका जो इतना फाउंडेशन और ये सब चला वो कैसे चला? She was working there with group. अब तुम हिटलर को इसमें डाल सकते हो क्या? No ma'am. नहीं ना, तो he is one person who has the need for power. उसके लिए बोल सकते हो कि उससे मोटिवेटेड है. जितने बड़े लीडर्स हैं दे, जितने बड़े लीडर्स हैं उसमें से कुछ का नीड फॉर पावर से वो एफिलिएट वो मोटिवेट होते हैं. देखो जो एफिलिएशन वाले लोग होते हैं दे प्रेफर कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर की बात नहीं कर सकते. दे प्रेफर कोलैबोरेशन. कोलैबोरेट करना मतलब ग्रुप में सबको साथ में लेके चलना. जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे ना, तब तुम ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे कि इस तरीके के जो लोग होते हैं वो खुद तो नहीं ही लड़ते हैं, खुद तो पीस मेकिंग में काम करते ही हैं. इसके अलावा अगर ग्रुप में कोई दो रैंडम पर्सन भी झगड़ा कर रहा है, दे विल इंटरफेयर फॉर द सेटलमेंट ऑफ दैट डिस्प्यूट.
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. Yes, ma'am. तो ऐसे लोग दे प्रेफर कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन. देखो तीसरा, देखो पहले तीसरा नीड समझो और तीसरे नीड को समझने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो. देखो नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर का क्या मतलब है? नीड फॉर पावर, तुम एक चीज देखो, इस थ्योरी को पढ़ने के पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज एंड कल्चर, कहने का मतलब तुमको अभी भी अपने आस पास ऑर्गेनाइजेशन की बात छोड़ो, ऐसे लड़के या लड़कियां मिलते होंगे जो कि चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में, कॉलेज में, फैमिली में, तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में, ऐसा कोई मिला है? Who wants to have the last say in the argument? कभी देखा है ऐसे लोग? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे देखो. See, need for power. Am I clear? मतलब आवाज आ रही है तुम लोगों को? मैम बहुत धीरे आ रही है आवाज. धीरे आ रही है ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है. देखो नीड फॉर पावर का मतलब है उस तरीके के लोग, इस तरीके के लोग हमेशा पावर की तलाश में रहते हैं. पावर एक ऐसी चीज है जो इनको मोटिवेट करती है. फॉर एग्जाम्पल, पावर वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? दे वॉन्ट टू हैव द लास्ट से इन द आर्गुमेंट. जो भी आर्गुमेंट हो रहा है उसमें वो चाहेंगे कि उनका जो भी वर्डिक्ट आ रहा है या उनकी जो बात है वो कंक्लूडिंग होनी चाहिए. ठीक है, वो कंक्लूडिंग हो, वो इधर उधर ना, जो वो कह रहे हैं वही बात होनी चाहिए. एंड अनलाइक पीपल हु आर वर्किंग फॉर द नीड ऑफ एफिलिएशन, दे बिलीव इन जीरो सम गेम. जीरो सम गेम माने यू विन आई लूज, आई विन यू लूज. मतलब एक फैसले पे आना चाहिए, कॉन्क्रीट. ऐसा नहीं कि अच्छा चलो तुम्हारा भी ठीक है मेरा भी ठीक है, ऐसा नहीं. You want to have a decision. These are those people who are good leaders, and also these are those kind of people who are very disciplined in themselves. ये खुद में काफी disciplined होते हैं ऐसे लोग. ठीक है, ऐसे लोग खुद में बहुत disciplined होते हैं, और क्योंकि खुद में disciplined होते हैं इसलिए सामने वाले से भी expect करते हैं कि वो बहुत disciplined रहे. Understood? समझ में आया? जब आप जाकर किताब पढ़िएगा आपको और फीचर्स मिलेंगे. अब बताओ हम लोग इस नीड को, इस नीड थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज करेंगे? जैसे तुम लोग कल को मैनेजर बनोगे तो तुम लोग इस थ्योरी को कैसे यूज करोगे? यू विल यूज इट लाइक दिस. यू नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल. अब आपको मैनेजर बनने के लिए ओबी और एचआर समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए. यू विल आइडेंटिफाई द पीपल्स नीड. तुमको पता होना चाहिए कि एक टीम में अगर 8 से 10 लोगों का टीम है तो तुमको समझ में आना चाहिए इन चीजों से कि जैसे ही तुम प्रोजेक्ट एलोकेट करते हो कौन है वो आदमी जो कि खुद लीडरशिप ले लेता है, कौन है आदमी जो कि फाइनल डिलीवरेबल्स को कंट्रोल करने की बात कहता है कि फाइनल डिलीवरी हम करेंगे. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अरे हम क्यों कोऑर्डिनेट करेंगे, हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर सबका जो वर्क है वो हमको कलेक्ट करना होगा, सबसे बात करनी होगी, तो हम अपना देख के काम छुट्टी करोगे. इतना माता पच्ची नहीं करने का, अपना काम देख के काम खत्म. लेकिन कुछ लोग होंगे जो वॉलंटरली इस चीज को लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है हम इस चीज को टेक केयर करेंगे कि फाइनल डिलीवरेबल्स हम कंट्रोल करें और फाइनल डिलीवरी के बारे में हम रिपोर्ट दें. कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसमें जो कि अच्छा जो फाइनल डिलीवरेबल्स कंट्रोल करेगा, तुमको क्या समझ में आता है किस टाइप की नीड से एफिलिएटेड है, सॉरी मोटिवेटेड है?
जो कंट्रोल कर रहा है, जो चीजों को देख रहा है कि मेक श्योर कर रहा है कि एट द एंड एवरीथिंग इज ओके, वो एफिलिएशन से कैसे एफिलिएटेड होगा? मोटिवेशन जैसे ग्रुप में लेकर चल रहा है सबको, ग्रुप में लेके नहीं चल रहा है वो, ग्रुप में ये मेक श्योर कर रहा है कि सबका काम सही से हो जाए और लास्ट लास्ट में जो डिलीवरी है वो डिले ना हो, ठीक है? नीड फॉर एफिलिएशन, उस ग्रुप में वैसे लोग होंगे जिनको जो काम दिया जाए वो बोलेंगे, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज्यादा इफ एंड बट्स नहीं होगा, वो ये सोचेंगे कि हम अपना काम देके छुट्टी करो। अगर ग्रुप में कोई और बंदा लड़ रहा है तो वो उसको भी शांत कराने की कोशिश करता है कि भाई ठीक है लड़ो मत, ग्रुप नॉर्म्स को ओबे करता है। ऐसे लोग नीड फॉर एफिलिएशन में से मोटिवेटेड होते हैं। और नीड फॉर अचीवमेंट, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिल्ली में मुंबई में काम कर रही है, इसका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है चेन्नई, तो चेन्नई में लॉन्च करना है तो तुम यहाँ पे काम स्क्रैच से शुरू होगा, ये एक प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे एस्टैब्लिश करके वापस आना है। द वन हु इज रेडी टू गो देयर, द वन हु इज रेडी कि भाई हम यहाँ का प्रोजेक्ट संभाले सिंगल हैंडेडली, आई वाज द लीडर इन दिस प्रोजेक्ट, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट द पर्सन हैज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, द पर्सन हैज अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। तो ऐसे लोगों को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। प्लस ऑर्गेनाइजेशन में ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि कौन किसकी नीड क्या है, क्योंकि अगर तुम आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि तुम रॉन्ग नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो। तुम रॉन्ग नीड यानी किसी को रैंडम बेसिस पे तुम काम एलोकेट करोगे तो ये एक अंदर का डिजायर होता है तुम्हारा नीड फुलफिल करना। जब तुम्हारी नीड फुलफिल हो रही होती है तो तुम 100% देते हो और एडवाइस वर्सा। तो अगर तुम नीड तुम आइडेंटिफाई करते हो कि भाई किसकी नीड क्या है और उसको उस हिसाब से काम एलोकेट करते हो, वो बंदा अपना जी जान लगा देता है उस काम को करने के लिए, विच इन टर्न विल मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हाई हो, ठीक है? हर्ज़बर्ग्स का टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस हो गया था? यस मैम। हेलो, ठीक है, बाकी कौन सी थ्योरी बची है? आज का क्लास तो रिविजन का ही क्लास, इसके बाद वाला क्लास में HRD यूनिट शुरू करेंगे। HRD पहले खत्म कर लेंगे दो सिलेबस, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिविजन क्या करना है और ओबी का जो सिलेबस बाकी है वो भी करवा देंगे, ठीक है? इक्विटी थ्योरी मैम, ओबी ऑफलाइन वाला क्लास में नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि मैम ओबी में हम लोग मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं समझे मैम, और ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा सही रहता है। तो तुम लोग आते कहाँ? स्टार्ट भी ऑनलाइन, ओबी भी ऑनलाइन, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आते नहीं हो ना तुम लोग? मैम एक क्लास के लिए, दो क्लास के लिए मैं क्या बहुत है गैप बहुत हम लोग क्लास में। हम्म, नेक्स्ट थ्योरी इज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, राइट? इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्वल, बराबर, इक्वल, ठीक है, इक्वल। ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है, दिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सेज कि एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय द फेयरनेस एट देयर वर्क प्लेस। फेयरनेस का मतलब कि मैं ये देख रही हूँ कि मेरे साथ भी वही बिहेवियर है जो किसी अगले के साथ है, ओके? और ये जो थ्योरी है ये बहुत अच्छी थ्योरी है, क्योंकि ये थ्योरी एक्चुअल में हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि हायर द लेवल ऑफ फेयरनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, हायर विल बी द चांसेस ऑफ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉइज। म्यूट कर लो, मैं आपको अंशु म्यूट कर लूंगा, ठीक है? हायर विल बी चांसेस ऑफ इक्विटी फॉर द एम्प्लॉइज। ऑन द अदर साइड,
अगर मुझे ये फील हुआ कि वर्कप्लेस पे मुझे इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कि इफ माय सैलरी इज लेस फॉर माय 6 आवर्स ऑफ वर्क विद इक्वल क्वालिफिकेशन विद माय कॉलीग, अगर मेरे कॉलीग को मेरे से ज्यादा या मेरे से, चलो मेरा ही कंसिडर कर लो कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर मेरे कॉलीग को मेरे से ज्यादा सैलरी फॉर इक्वल क्वालिफिकेशन और इक्वल टाइम मिलती है और मुझे कम मिलती है, तो क्या ये मुझे डीमोटिवेट नहीं करेगा? यस मैम। और अगर मेरा वर्किंग आवर ज्यादा है, मान लो कि आई एम वर्किंग फॉर 8 आवर्स हियर, और मेरे साथ बैठे वाले जो लोग हैं उनको 5 आवर्स के लिए ही उतना पैसा मिलता है या उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है जो मुझे मिलता है, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा? यस, वर्किंग आवर्स घटा देंगे। हम ये सोचेंगे क्या जरूरत है मेहनत करने की, कोई जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा कर, मेरे से कम काम करने वाले को तो मेरे से ज्यादा सैलरी मिल रही है। सेम अप्लाइज विद यू टू, ऐसा नहीं कि तुम ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है। तुम सोचो कि दो लोग हो, तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट जमा करने के लिए हम लोगों ने एक असाइनमेंट बनवाए। अब वो असाइनमेंट अगर किसी एक को, हम मान लो मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट है, उसको हम असाइनमेंट में खराब असाइनमेंट बनाने के बाद भी 18 नंबर दे दिए, और तुम बड़ा रिसर्च करके, थ्योरी बहुत नीट एंड क्लीन और रिसर्च करके अपनी चीजें भी ऐड करके प्रोजेक्ट बना करके लाती हो, और तुमको अगर हम 17 नंबर दे दें, तो तुम क्या सोचोगे नेक्स्ट टाइम से, क्या करोगे? और यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ये बहुत बड़े रूप में आती है कि इक्विटी। एक बंदा हमेशा अपना आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को कंपेयर करता है बाकी लोगों से, और ना सिर्फ बाकी कॉलीग से बल्कि बाकी वैसे भी पोस्ट से जो कि बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड है। इसीलिए ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए थ्योरी को बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। यानी हम सिर्फ अपने आप को, हम अगर मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम सिर्फ अपने आप को किसी अगले मैनेजर या किसी और डिपार्टमेंट के मैनेजर से कंपेयर नहीं करेंगे। हो सकता है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ से भी कंपेयर करें, कंपेयर इन द सेंस कि हम देखें कि भाई मेरी 5 लाख सैलरी है, उसकी 50 लाख क्यों है? तुम ये बताओ कि उसका आउटपुट क्या, एक सीईओ का आउटपुट क्या? उसका हार्ड वर्किंग है और रिस्पांसिबिलिटी है ना, हार्ड। अच्छा चलो, सीईओ का नहीं समझ में आएगा, चलो हमको देख रहे हो, मेरे बारे में बोलो, मेरा इनपुट और मेरा आउटपुट क्या? पहले मेरे इनपुट के बारे में। इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप अपने जॉब में जितना जो भी देते हैं, आप अपने वर्क में जितना चीज को देते हैं उस काम को करने के लिए, वो क्या होता है इनपुट। तो हमको देख रहे हो, मेरा इनपुट क्या? मैम टाइम होगा। टाइम होगा, और आप अपना नॉलेज दे रही हैं। नॉलेज होगा, और मैम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, गुड। और ठीक है चलो, ये सब समझ में आया। ये इनपुट है, टाइम है, नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हम डाल रहे हैं। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल मान लो कि फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आई टॉट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन PG DMCOM प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए, ठीक है। तुम लोगों को हम HR के लिए पढ़ाते हैं, किसी और को हम BBA थर्ड सेमेस्टर को हम HRM पढ़ाते हैं। अभी अचानक से बोला गया कि भाई BBM फाइनल ईयर का OB नहीं कंप्लीट किया हुआ है, तो यू हैव टू टेक अप OB एज द सब्जेक्ट। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना, ये फ्लेक्सिबिलिटी, यस, हाउ क्विकली यू कैन टेक अप अनदर टास्क, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी नाम की चीज होती ही होती है। अब उस इमरजेंसी में अगर आप पीछे हट जाए कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी डिडक्ट होगी या कुछ और होगा। दिस इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर।
ओके तो इनपुट में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, ये समझाने के लिए तुम लोगों को ये समझा। आउटपुट क्या होगा मेरा? सैलरी, इंसेंटिव, रिवॉर्ड, बोनस, प्रमोशन, ठीक है, माय लर्निंग। पढ़ाने के लिए पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है, तो तुम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक चीज बोली जाती है कि एक घंटे के क्लास को लेने के लिए किसी टीचर को 3 से 4 घंटा खुद पढ़ना होता है। और जो बहुत वेल सीजन्ड टीचर होते हैं, बहुत सीजन 10 साल 15 साल पढ़ा लिए, वो भी पढ़ते हैं अंत अंत तक, क्योंकि ये प्रोफेशन ही पढ़ने का है। टीचिंग, लॉयर और मेडिकल डॉक्टर, ये प्रोफेशन आपको जिंदगी भर, जब तक आपको इस प्रोफेशन में रहना है तब तक आपको पढ़ाई करनी होगी। सो लर्निंग इज ऑल्सो एन आउटकम या आउटपुट। अब एक बात बताओ, हम ये कंपेयर करेंगे ना कि मेरा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है, आउटपुट वर्सेस इनपुट कितना है, ठीक है? देखो कैसे इक्विटी थ्योरी काम करती है। जब कोविड के टाइम पे हमारे पास ये ऑफर था कि पैंडेमिक, अभी जो थर्ड वेव आया उसमें ये ऑफर था कि यू कैन ऑप्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम बट विद अ पे कट, ठीक है, मतलब सैलरी कम हो जाएगी लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं। उस केस में भी क्या हम अपना आउटपुट और इनपुट नहीं कंसिडर कर रहे हैं? हम ऑप्ट किए थे, यू नो दैट, ठीक है, तुम लोगों का क्लास हम घर से लेते थे। आई एम जस्ट गिविंग यू माई एग्जाम्पल, हम अपने एग्जाम्पल से तुम लोग को ये थ्योरी समझा रहे हैं। उस समय हम ये चीज कंसिडर किए थे कि मेरा आउटपुट वर्सेज इनपुट क्या होगा। तुम ये बताओ कि मेरा आउटपुट अगर घटा, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सैलरी अगर घटी, तो क्या मेरा इनपुट नहीं घटा था? यस मैम। क्या, कैसे इनपुट घटा था? मैं आपका समय का वो बजट सेविंग हुआ, टाइम सेविंग हुआ, जाने जाने का। हाँ बिल्कुल। और मैम वो वो हेल्थ से भी रिलेटेड था, जो आप आज अस्तित्व तक कोरोना भी हो सकता था। सेफ्टी, यस मैम, सेफ्टी, यस मैम, ठीक है। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब आई वाज सेफ एट माय होम, माय फैमिली वुड बी सेफ इफ आई वुड बी सेफ। और इनपुट में आने जाने का कन्वेंस टाइम बहुत घट गया, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट टाइम। सो आई कंसिडर्ड कि ठीक है, अगर मेरा आउटपुट कम हो रहा है तो मेरा इनपुट भी तो उस प्रोपोर्शन में कम हो रहा है, सो आई विल बी मोटिवेटेड टू वर्क, ठीक है, आई विल बी सैटिस्फाइड, आई विल बी मोटिवेटेड टू वर्क। दिस इज हाउ इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वर्क्स, इस तरीके से काम होता है। अब मान लो, अब एक और चीज है, इस थ्योरी को समझ रहे हो तो इसका एक दूसरा एंगल भी समझो, परसेप्शन समझे हो ना, ओबी में परसेप्शन पढ़े हो? यस मैम। परसेप्शन मैटर वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी एक चीज का क्लास में कोई एक इंसिडेंट हो जाता है तो उसका परसेप्शन, आप लोग कैसे डिसेंट ऑफ ओपिनियन होता है ना किसी बात पे, कि तुम्हारी कोई और राय है, किसी और की कोई और राय है, दिस स्पीक्स अबाउट द डिफरेंट परसेप्शंस यू हैव फॉर द सेम थिंग, राइट, डिफरेंट ओपिनियन। तो इक्विटी का परसेप्शन अलग भी तो हो सकता है। जैसे हम ये सोचे कि चलो मेरा इनपुट घट गया, मेरा आने जाने का टाइम घट गया, हम बहुत सेफ है, तो मेरा माय चाइल्ड विल आल्सो बी सेफ एट होम, बहुत तरीके की चीजें, वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा कन्वीनियंट है घर पे, किसी और को ऐसा नहीं लग सकता है, किसी और को ये लगेगा कि लेकिन काम तो हम उतना ही किए, आई डिड नॉट मिस माई क्लास, आई कम्प्लीटेड माई टास्क इवन वेन आई वॉज एट होम, देन वाई शुड आई गेट अ पे कट, दिस इज अनफेयर। समझ में आया? यानी कि इक्विटी जो होता है वो इंडिविजुअल परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए ये इतना आसान थ्योरी नहीं है, इसीलिए द मैनेजर्स दे हैव अ टफ टाइम एंड दे शुड मैनेज वेल टू मेक द वर्क प्लेस, टू मैनेज द परसेप्शन ऑफ पीपल, कि लोगों के परसेप्शन को इक्वल रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मैनेजर्स को भी, तो वो वैसा ही ऑफर दे, वो वैसा ही वैल्यूज प्रोवाइड करें जो कि लोगों के नजर में इक्वल हो, वरना वर्क प्लेस पे रिजेंटमेंट होगा। समझ में आया? क्योंकि इक्विटी परसेप्शन वाइज वैरी कर सकती है, ठीक है? यस मैम। अब देखो, इनपुट वर्सेस आउटपुट तो हम लोगों ने अपना कंसिडर किया, लेकिन इनपुट वर्सेस आउटपुट हम दूसरे का भी कंसिडर करते हैं, मतलब वो ऐसे लोग जो हमारे पोस्ट से ऊंचे हैं या नीचे हैं, जो भी, उस केस में भी हम इक्विटी
ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलता है. जैसे तुम किसी सीईओ का सैलरी कंसिडर करो. सीईओ का सैलरी जब तुम कंसिडर करोगे तो तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा 5 लाख है, उसका 50 लाख. ये तुमको दिख गया कि भाई उसके इंक्रीज्ड आउटपुट में क्या क्या चीज है. इंक्रीज्ड आउटपुट में है उसको बहुत सैलरी है, उसका स्टेटस हाई है, उसको रिकग्निशन ज्यादा है, उसका उसको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, उसको पेड वेकेशन है, उसको लग्जरी है, उसको कंपनी की कार है, उसके लिए अलग से बेनिफिट्स है. आप ये देखेंगे तो क्या डीमोटिवेट होंगे? नहीं होंगे. इसलिए नहीं होंगे क्योंकि द सेम मोमेंट यू कंसिडर देयर आउटपुट यू विल ऑल्सो बी कंसिडरिंग द इनपुट. आप इनपुट भी देखेंगे. अब बताओ तो एक सीईओ का इनपुट तुमसे अलग कैसे होगा? तुमसे यानी कि अगर तुम अपने आप को मैनेजर कंसीडर करो तो मैम प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा ना सीईओ को. रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होगा, रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होगा, काम भी होगा, चैलेंजेस ज्यादा होगा. ठीक है, हाई चैलेंजेस, हाई रिस्पांसिबिलिटी, स्ट्रेस्ड लाइफ, टू मच ऑफ ट्रैवलिंग. हो सकता है कि टू मच ऑफ ट्रैवलिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस खराब है. तुम ये सोचोगे कि भाई हम काम करके तो अपने घर वापस आते हैं एंड दिस पर्सन इज ऑन टूर फॉर 15 डेज इन अ मंथ. सो उसका वर्क लाइफ ऐसा है, उसका वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, ही कैन बी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एट एनी टाइम. उसकी कोई छुट्टी का टाइम नहीं है क्योंकि वो इतने बड़े पोजिशन पे है. ही कैन हैव मीटिंग रैंडमली एनी टाइम. तब तुम ये मोटिवेट होगे सोच करके कि नहीं नहीं उसको जो सैलरी मिल रही है उसका जो आउटपुट है वो इन प्रोपोर्शन टू हिज इनपुट है, जो कि बहुत ज्यादा है. वो इनपुट भी बहुत ज्यादा दे रहा है. समझ में आई बात? सो ये जो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होता है ये ना सिर्फ तुमको अपने बारे में सोच करके मोटिवेटेड रखता है बल्कि जब तुम किसी और से भी कंपेयर करोगे तो भी वो तुमको, अगर तुम्हारा परसेप्शन, ऑब्वियसली इट मैरिज विद परसेप्शन, लेकिन वो तुमको हेल्प करेगा मोटिवेटेड रहने के लिए. तुम बिग बाजार में काम करते हो और सेम लेवल के एम्प्लॉय को तुम फ्लिपकार्ट में देखोगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में, तब तुम सोचोगे कि भाई हम लोगों को तो यहाँ पे बेनिफिट भी है, हम लोगों का तो ट्रांसपोर्ट भी मिलता है, बिग बाजार में हम तो इसके मेंबर हैं तो हम लोगों को 30% ऑफ यहाँ के कपड़ों पे और ग्रोसरीज पे साल भर मिलता है. तो तुम ये जब ये भी बेनिफिट्स भी देखोगे तो इस हिसाब से भी इंसान मोटिवेटेड रहता है. अंडरस्टूड? यस चलो मोटिवेशन का आज क्लास लिए तो आज तुम लोगों का रिवीजन करती है. नेक्स्ट डे हम एचआरटी पढ़ा देंगे ताकि कम से कम एचआरटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर ओबी करा देंगे और उसके बाद जो भी बोलोगे रिवीजन वो रिवीजन हो जाएगा क्लास में. ठीक है? यस मैम. एचआरडी में ज्यादा कुछ नहीं है. अब पूरा एचआरडी पढ़ लेने के बाद वो थोड़ा सा रिटन वर्क है, हम रिटन में दे देंगे तुम लोगों को. एचआरडी में बहुत ज्यादा नहीं है. तुम तो इंट्रोडक्शन तब पढ़ रहे हो जब तुम पूरा एचआरडी पढ़ चुके हो तो वो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.